सभी पत्रकार साथियों को मेरा प्रणाम जी। मैं आपके बीच में कुछ पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठा हूं, जिन्होंने इस लड़ाई में मेरा सहयोग करने का निश्चय लिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं, और अति पिछड़े तबके के लोग जब साथ में खड़ा हुए हैं, बाकी लोग साथ में ही हैं, तो मुझे लगता है कि चुनाव एक तरफा है। चुनाव में कोई अब परिणाम ही एक शेष बचा है जो औपचारिक रूप से घोषित करूँगा। मेरे साथ संतोष सहनी साहब हैं, आप वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी के हैं उनके यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरे साथ गोपाल निषाद साहब हैं, पूलन सेना के अध्यक्ष हैं। मेरे साथ ओम प्रकाश कनौजिया जी हैं, जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं। मेरे साथ चौधरी लोटन राम निषाद साहब हैं, जो हमारे शिक्षा वर्ग के पूर्व अध्यक्ष थे, और राजेश गोड़ जी हैं, जो अखिल भारतीय गोड़ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इसमें गोड़ बिरादरी को, साध बिरादरी को और अन्य पिछड़े तबकों के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख चेहरे हमारे साथ हैं। मैं इनके साथ आपके पीछे बैठा हूँ। अगर आप चाहें तो अगर कुछ सवाल मुझसे करने हैं तो कर लिया जाए, फिर मैं इनको हैंड ओवर कर दूँगा, या आप चाहते हैं कि यही बोलें तो क्या। क्षत्रिय वोटर को लुभाने के लिए कल यशवंत सिंह जी दुबा पाँव गए थे और उनका चाकर भी थे, तमाम दावे कर रहे थे कि शत्रु हमने से नहीं कहा है, सफाई दे रहे थे, उसको कैसे देखते हैं भाई। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुप गई खेत, जब आया है कैसे कोई भूल लेगा। ये कोई कान में तो कहा नहीं है किसी के, ये तो हम आप पत्रकार साथियों के माध्यम से हमने देखा है ना जी। आप कंटिन्यू रहें, आवाज़ आएगी। पत्रकार साथियों के माध्यम से ही हमें जानकारी मिली, आप ही लोगों ने दिखाया। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि मीडिया के झूठे लोग हैं, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियो बना दिया। अभी उनका जिला अध्यक्ष का जो पाली का आ रहा है, हिंद आती है कि ऐसी मानसिकता, घृणित मानसिकता, गंदी सोच, गंदी जबान, गंदे संस्कार के लोग भी राजनीति में है, और उनको इनके जैसे लोग जिला अध्यक्ष बनाकर सम्मानित करते हैं। राजनीति में विवाद हो सकता है, राजनीतिक विवाद उसे कहते हैं, राजनीतिक बहस हो सकता है किसी के खिलाफ, मुद्दों पर भिन्नता रहेगी, इसे लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन वो मर्यादा बनी रहनी चाहिए, नज़र मिले तो हाथ जोड़ के नमस्कार करें। ये नहीं होनी चाहिए कि आप जूते मार दें, चप्पल मार दें, माँ बहन के गाली दे दें। आदरणीय संसद जी हमसे बड़े हैं, सम्मानीय हैं, मुझे दुख है कि ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हैं। आदरणीय संसद जी का मुझसे परिचय आप उनसे पूछिएगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने अपने वोट से आश्रम में खाने के टेबल पर कराया था, और इस बात को भी बार बार कहते हैं। अब गालीबाज को अपने साथ लेकर घूमेंगे, जूते मारने वाले की बात करने वाले को अपने साथ लेकर घूमेंगे, तो अब मैं ये फैसला तो घोसी के मालिकों के ऊपर छोड़ता हूँ। बड़े नेता तो आपसे समझौता कर सकते हैं, एक आम कार्यकर्ता, एक आम वोटर जब वोट डालने जाएगा तो उसको उस माँ का चेहरा जरूर उसके सामने नजर आएगा, जिसने उनको पैदा किया था वो बहन जरूर याद आएगी, जिसने राखी बांधा था, और आपके सम्मान जरूर उनसे जाएगा कि रुक जाओ जिसने जो जूते चप्पल मारने की बात करी थी, जो व्यक्ति कभी किसी का नहीं हुआ। मैं व्यक्ति का तारुफ नहीं लगाना चाहता हूँ, कोई दिक्कत, मैं उनकी कही हुई बातों को कोट कर रहा हूँ, और वो भी अपने तरफ से नहीं कोट कर रहा हूँ। अगर ये मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप सारे मीडिया के लोग गलत हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सारे मीडिया के लोग झूठ हैं, जिन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार उस खतरे को दिखाया है। अभी चुनाव हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, राष्ट्रपति को छोड़कर सारे लोग इस चुनाव में आ रहे हैं। लेकिन कर्म ऐसे हैं कि कर्म ऐसे हैं कि अगर माननीय राष्ट्रपति को भी बुला लिया जाए, वाणी ऐसी है कि
दुनिया में वो अब की बार ट्रंप सरकार वाले ट्रंप को बुला लिया जाए, जो बाइडेन को बुला लिया जाए, तब भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को याद है कि जहाँ से हारते हैं लौट तो वापस नहीं जाते हैं। 14 में चुनाव हारा था और आज तक आप लोगों के बीच में हूँ। और जो लोग कहते हैं कि राजीव राय यहाँ नहीं रहते हैं, मुझे आप पत्रकार साथियों से अनुरोध है कि सच को बोला करें। आप लोग जस्मदीद गवाह जिसे बोलते हैं, आई विटनेस रहे हैं फिर यहाँ के लोगों की सेवा करते हुए। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने उसे दिखाया भी है, ऐसा नहीं कि खाली आपने देखा है, आपने देखा है और दिखाया है, ये बात कर सकते हैं। मैं तो कहीं नहीं गया, बलिया में हारे होंगे तो कुछ हज़ार वोट मिले होंगे, कुछ लोगों ने, कुछ सौ लोगों ने बूथ पर झगड़ा किया होगा, जिंदाबाद के नारे लगाए होंगे, लौट कर नहीं गए, बनारस लौट कर नहीं गए, यहाँ पे लौट कर नहीं आएंगे। जैसी पार्टी हिंदुस्तानी की जो किसान समाज के बहुत बड़ा चेहरा है, आप उनके एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय पूर्ण महासभा के अध्यक्ष भी हैं, चौधरी लोटो नाम साहब हमारे पार्टी के पहले मुख्य सदस्य, गोपाल सेना के अध्यक्ष हैं। तो ये जो आप चेहरे देख रहे हैं, भले चकाचौंध में नहीं दिखते, लेकिन ज़मीन पर जो इनकी ताकत है, ज़मीन पर जो इनकी पैठ है, उसको नकारा नहीं जा सकता। डिप्टी सी एम साहब कल आए हुए थे और आज भी हैं, उन्होंने कल कहा है कि समाजवादी पार्टी में जो कार्यकर्ता जो लोग हैं वो अखिलेश यादव को बोलने तक नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप मान सकते हैं कि हिंदू की पार्टी है। अपने आपराधिक कदमों को देख लें, अरे ऊपर से मैं उनकी बात करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा कि उनका आना समाजवादी पार्टी के लिए घोषे के लिए शुभ संकेत है। जहाँ उनके पाँव पड़ते हैं वहाँ समाजवादी पार्टी जीतती है, यही पर भोलापन उसी उपचुनाव में भी दिखाया था। और यहाँ आ गए, मैं धन्यवाद करता हूँ केशव प्रसाद मौर्या का कि अब हार और ही ज़बरदस्त होगी। आप लोगों की उपस्थिति मात्र से लोगों को याद आ जाता है कि यही वो बड़े नेता लोग हैं जो चुनाव में आकर बड़े बड़े वादे कर गए थे, वो कसारा वाली सड़क आज तक नहीं बनाया जा रहा, अगर उन्होंने वचन दिया था, उस मासूम बच्चे का जमीन आज तक नहीं लौटा जिसके लिए उन्होंने वचन दिया था, उस मासूम बच्चे को पैसे आज तक नहीं मिले जिसके लिए उन्होंने वचन दिया था, उन तमाम सड़कों का जो वादा किया था वो आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। गाना हमारे लिए शुभ संकेत है। क्या लगता है कि ये जो लोकसभा चुनाव में उनकाश 8 बजे के बेटे लड़ रहे हैं, ये प्रतिष्ठा का दाव पड़ी हुई, इसमें सारे लोग आ रही है, ओमप्रकाश राजभर सही, ए के शर्मा जी सही, प्रधानमंत्री गाँव की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है भाई। प्रतिष्ठा गाँव से लगने से पहले प्रतिष्ठा होनी भी तो चाहिए, प्रतिष्ठा होनी भी चाहिए तब तो गाँव पर लगेगा। प्रतिष्ठा माँ बाप को गाली देने से होता है, प्रतिष्ठा झूठ बोलने से होता है, जूते मारने से होता है। आप लोग बीजेपी को तो माननीय प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे अपील करता हूँ कि जब घोषी में आए तो मंच पर जरूर ये बताएं घोषी के लोगों को वोट मांगने से पहले, जो इन्होंने कहा था कि देश का सबसे बड़ा झूठा जो भी और मोदी हैं वो सच बोला था, ये तब झूठ बोल रहे थे, या जो आप बोलने वाले हैं वो झूठ बोलेंगे आप। अगर वो सच था तो आज प्रधानमंत्री जी जो भी बोलेंगे घोषी के मंच से झूठ ही बोलेंगे, अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो मंच से कहें कि आज झूठ बोले थे, मैं झूठा नहीं। आज सर, आज छठे फेज का चुनाव हो रहा है, आज छठे फेज का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव को किस तरीके से आप ले रहे हैं? छठे फेज तक आते आते इंडिया गठबंधन ने जीत का छक्का मार दिया है, अब जो आगे सातवां फेज है सब एडिशनल बोनस है। मतलब राजू राय जी पाठक किया है, राजू दास कल आए हुए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है इस बार भी ब्रजेश पाठक किया है, क्या लगता है? मैं स्वागत करता हूँ भाई, ये वाणी को जारी रखिए, अपना वो बड़ बोला बन जारी रखिए, 3-2-5 हो जाते हैं ना, तो ये दो है तो सुनिश्चित कर दिया। यही ब्रजेश पाठक जो हैं, राजू दास जी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हम मोदी जी के नाम पर यहाँ वोटों की अपील करने आए हैं, और जब ओमप्रकाश राजभर की बात आई सवाल जवाब से, उन्होंने कहा कि नाक रगड़ के माफी तो मांग ली, अब क्या चाहते हैं?
हम राजद धार्मिक कानून है, मैं नहीं करता, नहीं तो जब आप था नाम पार के माफ़ी मांग लेने से भाई आपको भी एक कोई गाली लेके माफ़ी मांग ले आप माफ़ कर दीजिएगा। वो तो टीवी चैनलों पर तलवार भाजने लगते हैं, वो तो टीवी चैनलों पर माँ भान की गाली देने लगते हैं, क्या बोलूँ। महंत है, महंत जी को पढ़ा, वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वोट दे रहा है तो वो मास्क खा रहे हैं, क्या है। महंत को महंत की भाषा बोलनी चाहिए, महंत को अगर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा लेकिन उम्मीद जरूर करूँगा कि महंत को माँ बहन की गालियाँ टीवी चैनलों पर बैठ कर नहीं देनी चाहिए। महंत को राजनीति में निचले स्तर तक भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरे लिए हर महंत, हर साधु, हर संन्यासी के लिए आदरणीय है, इससे ज़्यादा मैं महंत राजूदास जी के बारे में पूछ लेंगे। बालकृष्ण चौहान कहते हैं कि यहाँ हमारा सांसद जो वर्तमान है वो है, और हमारी जो ताकत है लोग जानते हैं कि हमारी जो ताकत है वो गांव में ही ज़्यादा रहती है, शहर में नहीं दिखाई देती, तो आप इसको किस तरीके से ले रहे हैं। चलिए, ताकत का अंदाज़ा एक तारीख को लग जाएगा। मैं निवेदन करता हूँ साथी, आप यहाँ से शुरू कर दिया अपने सानी साहब के यहाँ से, आपको पता है कि बहुत बड़ा बोलिए क्या बोलना चाहिए भागीदार है। देखिए, विकासशील इंसान पार्टी यानी VIP पार्टी, माननीय सना मल्ला मुकेश सहनी जी की पार्टी, जो बिहार सरकार में इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस में है और 3 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वो हमको भेजे हैं और जगह जगह लोकसभा सीटों पर हम VIP पार्टी की तरफ से कैंपेनिंग कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके सपोर्ट में हम लोग इलेक्शन को कैंपेन कर रहे हैं, उनको चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोगों का पूरा सपोर्ट है VIP पार्टी का और हमारे समाज का भी पूरा सपोर्ट है। हम लोग इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को हम आपके समाज को कितना कन्विंस कर सकते हैं मऊ घोसी में। देखिए, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है आप लोगों का, जब हम आए थे घोसी में बाई इलेक्शन में तभी आप लोग यही पूछ रहे हैं, तो हर चुनाव में आएंगे तो यही पूछेंगे, इससे कन्विंस निषाद समाज 100% मुकेश सहनी जी के साथ है, इसमें कोई बात ही नहीं है, उसमें कोई पूछने की बात नहीं है। जितना भी हमारा आबादी है, जितना भी हमारा वोट है, 100% समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। संजय निषाद समाज के नेता। देखिए, बात का जवाब ये है, ये देश का 18वां लोकसभा चुनाव आम लोकसभा चुनाव चल रहा है और मेरे पास जो है ये इंडिया अलायंस का घोषणा पत्र है, और अब तक का मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत घोषणा पत्र है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए और बात इस पर कीजिए, किसने क्या किया क्या नहीं किया। हमको एजुकेशन पे, हेल्थ पे बात करना चाहिए, हमको डेवलपमेंट पे बात करना चाहिए, और मेन चीज़ यही है, हम कितना किसको कन्विंस कर पाएंगे। ये घोषणा पत्र जिसके हाथ में जाएगा और जो भी 5 मिनट समय देकर इस घोषणा पत्र को पढ़ेगा ना, वो 100% कन्विंस हो जाएगा, इसमें कम्युनिटी की कोई बात ही नहीं है। आप पूर्ण सेना के हैं, काफ़ी दिनों के बाद एक्टिविटी नज़र आई गोपाल निषाद साहब की। एक्टिविटी रहती है जमीन पर, फूलन सेना समर्थन कर रही है, राजीव राजी को पूरा समर्थन है और पूरे लोकसभा के निषाद समाज के लोग, सभी पिछले मजदूर समाज के लोग आपके साथ। इस वक्त तो आप काफ़ी चर्चे में गुजरातियों को अपने तरफ कर लिया आपने, एक और मोदी जी को जा रहा था लेकिन उनको अपने तरफ कर लिया। देखिए, कम से कम गुजरातियों को यह भरोसा है इस सरकार में हम उजाड़ दिए जाएंगे, लेकिन सर जब हम उजड़ेंगे तो राजीव राय हमारी रक्षा के लिए खड़े मिले, इस भरोसे के साथ वो गुजराती बन जा रहे समाजवादी पार्टी पहुँचे। क्या हो रहा है घोसी लोकसभा में? साइकिल बहुत तेज चल रही है और गरीब मजलूम आम आदमी इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि पिछड़ा समाज तो हमारे साथ है। अरे, वो बनारसी ठगा, किसको उसने नहीं ठगा, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं, तो हम लोग साथ रह करके देखें।